पाठ पाँच पूरा करने के बाद अब अपन इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न उत्तर में क्या है, आजादस्य पूर्ण नाम किम आसीत, इसका मतलब क्या हुआ। आजादस्य, आजाद का पूरा नाम क्या था, किम यानी क्या, इसका उत्तर रहेगा आजादस्य पूर्णम नाम चंद्रशेखरः आजादः आसीत, आजाद का पूरा नाम चंद्रशेखर आजाद था। इसमें अपन बीच में अनुस्वार लगा देंगे पूर्णम, यहाँ पर अनुस्वार लगाया नहीं है, आप लोग लगा लेना। सह कुत्र शिक्षां प्राप्तवान, उन्होंने शिक्षा कहाँ पर प्राप्त की। सह वाराणस्यां शिक्षां प्राप्तवान, उन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की, वाराणसी में। कुत्र यानी कहाँ। कति वर्षीयः सह स्वतंत्रता आंदोलने अकूदत, कितने वर्ष की उम्र में वह स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे। चतुर्दश, कितने साल में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था, 14 साल की उम्र में। चतुर्दश वर्षीयः सह स्वतंत्रता आंदोलने अकूदत। आजादः प्रयागस्य कस्यां वाटिकायां वीरगतिं प्राप्तवान, आजाद प्रयाग की किसकी वाटिका में वीरगति को प्राप्त हुए, वो कौन सी वाटिका में बैठे हुए थे जहाँ पर उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया। कस्यां यानी कौन सी या किस में। आजादस्य प्रयागस्य अल्फ्रेड वाटिकायां, कौन सी वाटिका में थे वो, अल्फ्रेड वाटिका में उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया। सह कस्मिन वर्षे वीरगतिं प्राप्तवान, उन्होंने कौन से वर्ष में वीरगति को प्राप्त किया। 1931 समय वर्षे, तारीख क्या थी, 27 फरवरी। तो इस तरह से अपन को प्रश्नों के उत्तर देने हैं, प्रश्नों के उत्तर पूरे पूरे देने हैं जिस तरह से इसके अंदर लिखा हुआ है। आगे अपन देखते हैं, कोष्ठकेषु दत्तयो विकल्पयो उचितेन विकल्पेन वाक्यानि पूर्यत, क्या कह रहा है ये, कोष्ठक में दिए हुए विकल्पों में से उचित विकल्प के द्वारा वाक्य को पूरा कीजिए। ये एक संस्कृत का वाक्य है, इसमें आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, दो भाग दे रखे हैं, आपको जो सही लग रहा है, जो सही है वो आपको इसका आंसर देना है, आपको इसका उत्तर देना है पाठ के अनुसार। आजाद है विद्यार्थी आसीत, आजाद किसके विद्यार्थी थे, संस्कृत से, किसके विद्यार्थी थे वो, संस्कृत के। चतुर्दश वर्षीयः एव सह स्वतंत्रता आंदोलने अकूदत, 14 वर्ष की उम्र में वे स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे, किस में कूदे वो, स्वतंत्रता आंदोलन में। आगे आता है, आंग्ल अधिकारीण है एतम भ्रशम, आंग्ल अंग्रेज अधिकारियों ने इनको बहुत अधिक ऐताड़ियन मतलब प्रताड़ित किया। ऐलालियन का मतलब होता है लाड़ प्यार करना, मगर अंग्रेज अधिकारियों ने इनको क्या किया था, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया था, बहुत ज़्यादा यातनाएं दी थी, तो क्या आएगा, ऐताड़ियन। सह संसद भवने अकार्यत, उन्होंने संसद भवन में किया क्या, किया बम विस्फोट, पुष्प वर्षा नहीं की थी, बम विस्फोट किया था, तो इसका आंसर क्या रहेगा, बम विस्फोटम। अल्फ्रेड वाटिकायाम सह स्वजीवनम समाप्तम अकरोत, उनका जीवन उन्होंने कहाँ पर समाप्त किया, अल्फ्रेड वाटिका में समाप्त किया। आगे आता है प्रश्न निर्माण, मतलब आपको आंसर दिया हुआ रहेगा, उत्तर दिया हुआ रहेगा, उसका आपको क्या करना है, प्रश्न बनाना है। रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। चंद्रशेखरस्य जन्म काशीनगर्याम अभवत, चंद्रशेखर का जन्म काशी नगरी में हुआ। जो शब्द आपको
रेखांकित, मतलब जो शब्द आपको अंडरलाइन करके दिया हुआ है आपको उसी के ऊपर प्रश्नवाची जो शब्द हैं वो रखने हैं। अब ये क्या बोल रहा है, चंद्रशेखर का जन्म काशी नगरी में हुआ। काशी नगरी क्या है, जगह का नाम है। तो जहाँ पर अपने स्थानवाची शब्द आएंगे, स्थानवाची शब्दों के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कुत्र का। कुत्र का मतलब क्या होता है, कहाँ। तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ पर हुआ था, काशी नगरी में। जब कोई भी स्थानवाची शब्द दिया हुआ रहेगा तो अपन उसके लिए कुत्र का प्रयोग करेंगे। वयम चंद्रशेखरम आदरेण स्मरामः, आदर से हम सब चंद्रशेखर को आदर से याद करते हैं। ये विशेषणवाची शब्द है। जब विशेषणवाची शब्द आएगा किसी की अच्छाई बुराई बताने के लिए, जो शब्दों का प्रयोग होगा उस उन शब्दों के स्थान पर हम कथम का प्रयोग करेंगे। कथम का मतलब होता है कैसे। हम सब चंद्रशेखर को कैसे याद करते हैं, आदर से याद करते हैं। आगे आता है आंग्लधिकारिणः चंद्रशेखरम भृशम ऐताड़यन्। भृशम क्या है, अत्यधिक। ये भी क्या है, विशेषणवाची शब्द है। कम, थोड़ा, ये क्या है, विशेषणवाची शब्द है। तो विशेषणवाची शब्दों के लिए किसका उपयोग होता है, कथम का। तो तीसरे वाले प्रश्न में भी क्या आएगा, कथम आएगा। आंग्लधिकारिणः चंद्रशेखरम कथम ऐताड़यन्, उन्होंने उन्हें कैसे प्रताड़ित किया। नाट बावरस्य भुशुंडी गोलिका आजादस्य जंघायाम प्रविष्टा। नाट बावर की गोली से, बंदूक की गोली से आजाद की जंघा में प्रवेश कर गई। अब ये क्या है, ये स्थानवाची शब्द भी है और ये जो शब्द रूप चलते हैं, जैसे लता के अकॉर्डिंग शब्द रूप चलेगा लतायाम। सप्तमी विभक्ति है तो सप्तमी विभक्ति के अनुसार अपन कस्याम लगा देंगे, किस में। क्या जाएगा, कस्याम यानी किस में। और अगर अपन स्थानवाची देखेंगे कि आजाद की गोली कहाँ लगी, तब इसकी जगह क्या आ जाएगा, कुत्र आ जाएगा। यहाँ पर कस्याम भी सही है और कुत्र, दोनों आंसर सही है। चंद्रशेखर पूर्णतया स्वतंत्र एव वीरगतिम प्राप्तवान। वही विशेषणवाची शब्द आ गए, उन्होंने स्वतंत्र रूप से वीरगति को प्राप्त किया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कथम आ जाएगा। स्थानवाची के लिए कुत्र और विशेषणवाची के लिए प्रश्नवाचक शब्द क्या आता है, कथम आता है। आगे अपन देखते हैं, चंद्रशेखर आजाद इति विषयम अधिकृत्य पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखत। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर संस्कृत में 5 वाक्य लिखिए। इस 5 की जगह पर आपको 10 वाक्य करने हैं और 10 वाक्य लिखने हैं। 10 वाक्य अभी आपको अलग से समझाए जाएंगे। आगे आता है, भू धातु लंग लकार के रूप लिखिए। भू धातु लंग लकार के रूप चलेंगे पट के अकॉर्डिंग, पट के अनुसार। जैसे अभवत, अभवताम, अभवन, अभव, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव और अभवाम। जैसे अपन पट का रूप बनाएंगे, पट की जगह पे यहाँ पे क्या बन जाएगा, अ पठत, अ पठताम, अ पठन, अ पठह, अ पठतम, अ पठत, अ पठम, अ पठाव और अ पठम। इस तरह से अपना ये पाठ पूरा होता है। अब अपन देखते हैं ऊपर वाला प्रश्न, चंद्रशेखर आजाद के ऊपर 10 वाक्य। एक बार अपन वो 10 वाक्य देख लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर 10 वाक्य हैं। चंद्रशेखर से जन्म काशी नगर्याम अभवत। सबसे पहले अपन चंद्रशेखर का जन्म बता देंगे। चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ, काशी नगरी में।
तस्य पिता श्री सीताराम तिवारी। जब भी अपन किसी महापुरुष की बात करते हैं तो सबसे पहले उनके जन्म के बारे में, फिर उनके माता पिता के बारे में बात की जाती है। तो उनके पिता का नाम क्या है? श्री सीताराम तिवारी। और माता का नाम जगरानी देवी। सह वाराणस्याम शिक्षां प्राप्तवान। उन्होंने वाराणसी में शिक्षा प्राप्त की। चतुर्दश वर्षीय एव चंद्रशेखर स्वतंत्रता आंदोलने अकूदत। और 14 साल की उम्र में वे स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे। महात्मा गांधी की जय, भारत माता जयतु, ब्रिटिश शासनम नश्यतु, इस प्रकार की उन्होंने घोषणा की। रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु और जयगोपाल, ये सब कौन थे? इनके सहयोगी थे जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे इनके साथ। चंद्रशेखर बाल्यकालात एव प्रखर बुद्धिर आसीत। चंद्रशेखर बाल्यकाल से ही प्रखर बुद्धि के व्यक्ति थे। प्रखर बुद्धि यानी तेज बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि वाला बालक। सह संस्कृत से विद्यार्थी आसीत। वे संस्कृत के विद्यार्थी थे। आगे आता है, महात्मा गांधी सदृश सह अहिंसाया अनुयायी आसीत। महात्मा गांधी के समान वे अहिंसा के अनुयायी थे। आजाद से पार्श्वे अंतिमया गोलिकया स्वजीवनम समाप्तम अकरोत। आजाद के पास एक अंतिम गोली से उन्होंने अपने जीवन की लीला को समाप्त कर लिया। इसके अंदर ये 10 वाक्य याद करने से बहुत सारे एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त प्रश्न उत्तर है वो भी निकलेंगे। जैसे पूछा जाए चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ, तो अपन बताएंगे काशी नगरी में। उनके पिता का नाम, माता का नाम, उनकी शिक्षा, स्वतंत्रता आंदोलन में वे कब कूदे थे, उनकी उम्र, उनकी घोषणाएं और उनके सहयोगियों के नाम, और वो बाल्यकाल में वो कैसी बुद्धि के बालक थे, उनको उनकी कौन सी विषय में रुचि थी, और उन्हें किसके समान बताया गया है अहिंसा के अनुयायी में, उन्हें किसके समान बताया गया है, आज़ाद ने अपना जीवन किस प्रकार समाप्त किया। इस प्रकार से इन 10 वाक्यों में बहुत सारे अतिरिक्त प्रश्नोत्तर भी निकलेंगे। तो ये 10 पाँच की जगह, आपके बुक में 5 वाक्य दे रखे हैं, 5 की जगह आपको 10 वाक्य पढ़ने हैं।